समस्तीपुर जिला के सिंधिया नगर पंचायत एवं सिंधिया प्रखंड अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठन का विस्तार नए सिरे से पूर्व विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व वित्त सांस्थिक कार्यान्वयन एवं आवास मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में आरंभ किया जा चुका है। इसमें नए कार्यकर्ता जो अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहते थे, उन कार्यकर्ताओं को फूल माला के साथ सम्मानित कर अपने संगठन में शामिल किए। इस आयोजित संगठन विस्तारित कार्यक्रम समौली झा, लखन चौधरी, मुकेश सिंह, राजीव सिंह उर्फ नूनू, लड्डू सिंह, प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, सतेंद्र सिंह, पाथेश्वर सिंह इत्यादि गणमान्य व्यक्तिगण के मौजूदगी में हुई। कार्यक्रम आयोजित की गई है जिसमें आपका आगमन हुआ है। आज संगठन का काम हो रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं अध्यक्ष जी, और संगठन का निर्माण हो रहा है अभी प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, बूथ स्तरीय, उसी संबंध में हम लोग बैठे हैं। और संयोग से हमारे कई नौजवान साथी और जो नए हम लोग के साथ जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, आज उन लोगों का भी स्वागत हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि कांग्रेस अपने पुराने रुतबे में आ रही है और लोगों का आकर्षण कांग्रेस के प्रति अब काफ़ी बढ़ा है, रुझान बढ़ा है। और हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त गरीब विरोधी सरकार केंद्र में बैठी है उसको हटाने के उद्देश्य से हम लोग मजबूती से काम करेंगे, और यही संकल्प लेने हम लोग आज बैठे हुए हैं। उसी संकल्प के साथ हम सारे लोग यहाँ अपना संगठन बना रहे हैं। संजय बाबा, संजय सर, जैसे कि देखा जाए आपके जाने के बाद आपकी पार्टी यहाँ पे चरमरा गई थी, अभी उसके लिए क्या किया जा रहा है? कहीं कोई जाता नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति कहीं कोई जाता नहीं है, वो हमेशा मैं यहाँ हूँ, यहाँ का तो मैं स्थानीय हूँ, घर ही है मेरा बगल में तो है, और संगठन का काम भी करते ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कठिनाई थी, लोगों का आकर्षण कम गया था कांग्रेस के प्रति, लेकिन जो अभी देश में माहौल बना है और कांग्रेस का माहौल बना है उसके चलते यहाँ भी बिहार में भी तेज़ी से उभर रही है कांग्रेस। समस्तीपुर जिला में समस्तीपुर और खगड़िया लोकसभा का जो कुछ पार्ट है यहाँ, ये दोनों जगह तो विपक्ष बीजेपी का ही सरकार है, यहाँ पे बीजेपी का ही MP है। बीजेपी की के प्रतिनिधि तो अब पूरे देश में है, यहाँ तो 39 में 39 सीट है उन लोगों का था जबकि जदयू साथ में था। अब जदयू के अलग होने के बाद और जब मजबूती से हम लोग महागठबंधन बना के यहाँ लड़ने के लिए तैयार है तो अब 40 में से 29 सीट हम लोग जीतने के प्रयास में हैं। अब बीजेपी यहाँ है कहाँ, और ख़ास करके समस्तीपुर खगड़िया जिला में तो बीजेपी है ही नहीं। क्या सर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी आप लोगों के द्वारा किस तरह से की जा रही है? जैसे आप देख रहे हैं संगठन पर काम सिंगिया प्रखंड में आपका आगमन हुआ है, कार्यकर्ताओं की बैठक में आप शामिल हैं, क्या उद्देश्य था इस बैठक का? देखिए, प्रदेश से हम लोगों को एक टारगेट मिला है कि इसी महीने के 28 तारीख को सभी जिलों से संगठन का पूरा काम करके संगठन करके और प्रदेश में भेजना है। उसी क्रम में आज सिंगिया प्रखंड में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, और सब लोगों ने मिलकर संगठन के बारे में बात की है, और जहां तक जिनकी जो राय थी संगठन से संबंध में उन्होंने दिया है। पदाधिकारियों का कुछ चयन हुआ है और सभी अभी प्रक्रिया में है, बनके मुझे लगता है कि 24 तारीख तक हम लोग जमा कर देंगे जिला में। कार्यकर्ताओं का इस तरह का बैठक होना और आपका आगमन बहुत दिनों के बाद यहाँ होना, क्या 2024 का संकेत है? नहीं, 24 का संकेत तो निश्चित रूप से है, क्योंकि हम लोग आखिर राजनीतिक दल है और हमारा उद्देश्य होता है चुनाव में जीतना और जो राजनीतिक गतिविधि जारी रखना। और आप जान रहे हैं पूरे देश में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो कि लड़ रही है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, दलित गरीब विरोधी, जो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है पूरा देश, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हुए हैं। थाली तो बजा दीजिए। हमें नेतागिरी करे पड़ी।